पेस्ट हियर। सलमान खान स्टार ट्यूबलाइट ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखकर एक बार फिर से बजरंगी भाईजान की याद आ गई। अब ये सलमान खान के लिए अच्छी बात है या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी फिल्म में पूरा वही फील है जो सलमान की 2015 ब्लॉकबस्टर में था। सलमान खान का भोला अंदाज, वही मासूमियत और बच्चों के साथ केमिस्ट्री के अलावा भी दोनों ही फिल्मों में काफी कुछ एक जैसा है। पहली फिल्म में सलमान पाकिस्तान जा रहे थे तो इस फिल्म में चीन जा रहे हैं। पिछली फिल्म में खोई हुई मम्मी का घर ढूंढ रहे थे, इस बार अपने खोए हुए भाई को ढूंढने चीन जा रहे हैं। वहीं पिछली फिल्म में सलमान पर किसी को भरोसा नहीं होता था करीना को छोड़कर। इस बार उनके भाई सोहेल को यकीन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पिछली फिल्म में 10 साल की मम्मी थी तो इस फिल्म में 6 साल के मार्टिन। पिछली फिल्म में सलमान के सफर के साथी बने थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इस बार के साथी हैं मार्टिन रेटिंगल, उनके 6 साल के साथी। वहीं सलमान के कॉस्ट्यूम और स्वेटर इस फिल्म को बड़ा दे रहे हैं। अब बस यकीन रखिए कि फिल्म में और कुछ बजरंगी भाईजान जैसा ना हो, वरना तो फिर फिल्म से ज्यादा उम्मीदें रखना गलत होगा। वैसे फिल्म में कबीर खान ने उनके नन्हे साथी पर काफी बात की है और फिल्म में सलमान और माधुरी का फेमस गुलेल सीन वापस शूट किया गया है। कबीर खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सीन अपने आप गलती से वैसा ही बन गया और बहुत ही प्यारा लगा। मान लीजिए कि कुछ टाइम के लिए माधुरी दीक्षित को बच्चे ने रिप्लेस कर दिया है। सलमान खान और सोनम कपूर की फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये सीन आपको सलमान और ऐश्वर्या की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के इस सीन की याद दिला देगा। बजरंगी भाईजान के इस सीन को इस फिल्म से कॉपी किया हुआ लगता है। बागी का एक सीन दिले से कॉपी किया गया है, लेकिन यहाँ ऐसा टाइगर श्रॉफ नए एक्टर हैं इसलिए ट्रिब्यूट देने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली का ये सीन इस फिल्म की कॉपी लगती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अब तो आपको भी याद आ गया होगा कि किस सीन की बात कर रहे हैं। अब ये आइडिया लिया गया बस इत्तेफाक था, यह तो हमें भी नहीं पता। रोहित शेट्टी ने दिलवाले प्रमोशन के लिए DDLJ का ये पोस्टर वापस शूट कर लिया।